हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन। टुडे वी डिस्कस आवर रिमेनिंग एक्सरसाइज 11.1 विद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इल सिक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ 20 मैन कैन डू द जॉब। सिक्स मैन कैन डू वर्क, सिक्स मैन डू करते हैं बेटा 7 डेज में, तो वन मैन कैन डू वर्क। अब सिक्स मैन 7 डेज में करते हैं तो वन ज़्यादा में करेगा, 6 × 7 डेज, सो दैट इज 6 × 7 = 42 डेज। आपको निकालना है इन हाउ मैनी डेज इट विल बी डन बाय 21, सो 20 मैन कैन डू वर्क 42 × 21, दैट इज 2 डेज। सेम हेयर क्वेश्चन नंबर 17, 8 मैन कैन डू अ वर्क इन 8 मैन कैन डू वर्क इन 9 डेज, वन मैन का निकालेंगे बेटा, सो वन मैन में तो ज़्यादा आएगा, 8 × 9 72 डेज, एंड यू हैव टू फाइंड द सिक्स मैन कैन डू वर्क 72 × 6, दैट इज 12 डेज। सो सिक्स मैन उस काम को करेंगे बच्चे 12 डेज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, 35 बास्केट्स 25 डेज में बनाती है, तो 55 बास्केट्स कितने दिन में बनाएगी? रीमा वेव्स 35 बास्केट इन 25 डेज। 35 बास्केट 25 डेज में बनाती है, तो वन बास्केट कम डेज में बनाएगी, सो दिस इज 25/35। So this one is 25/35 days. So she won 55 baskets. So 25/35 × 55, 5 से कट करेंगे 7, 11, मल्टीप्लाई करें 25 और 25 की, 2, 7, 5/7 मिक्स में कन्वर्ट करें, 7 × 3 = 21, 6 × 5 = 7, 9 = 63, so she weighs 55 basket in 39 × 2/7 days. Now same question number 19 is here, Neha can type 14 pages in 14 hours, so how many pages she will type in 20 hours? So I think आप easily कर सकते हैं। Now question number 20 is this, if 12 boy earn in 7 days, 12 boys 7 days में अर्न करते हैं बेटा ₹840, तो वन बॉय 7 days में अर्न कितना करेगा 840/12, और वन बॉय 1 day में अर्न करेगा 840/12 × 7। आपको निकालना है कि 15 बॉयज 1 day में कितना अर्न करेंगे, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आपको निकालना है 15 बॉयज 6 days में कितना अर्न करेंगे, तो फिर से हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 4, 2 0, और फिर ये कट गया 60 पे, 15 × 6 = 90, सो योर आंसर इज ₹900। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। द सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 जस्ट एज इट इज सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 22 इज वर्किंग 8 hours अ डे, अशू कैन कॉपी अ बुक इन 18 days, एक 3 hours डेली काम करके 18 days में बुक कंप्लीट कर देगा, हाउ मैनी आवर्स अ डे शुड ही वर्क ही दैट फिनिश द वर्क इन 12 days। ओके, 12 days में उसको वर्क करना है, सो अशू कैन डू वर्क, आशू कैन कॉपी बुक इन 18 days, डेली ही वर्क 8 hours, डेली वो 8 घंटे काम करता है और 18 days में।
डेली, अगर वो डेली वन डे में काम करे तो कितना काम होगा, अब वन डे में तो ज़्यादा होगा, सो 8 × 18। अब उसे ये वर्क कंप्लीट करना है 12 डेज में, सो 8 × 18 / 12, 6 × 2 = 6, 3 × 2 से कट हो गया 4, सो 4 × 3 = 12 आवर। तो उसे डेली 12 आवर काम करना पड़ेगा बुक को कंप्लीट करने के लिए। इन द सेम क्वेश्चन नंबर 23 इज देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट अ क्रिस्टन कैन फील्ड वन टैप इन 8 आवर। एक टैप क्रिस्टन को, यानी कि डिब्बा लगा लीजिए, 8 आवर में फिल करता है, दूसरा 4 आवर में फिल करता है, दोनों एक साथ किस में फिल करेंगे। टैप ए कैन फिल क्रिस्टन 8 आवर्स, टैप ए। टैप बी कैन फिल इन 4 आवर, 1 आवर वर्क ऑफ टैप ए। टैप ए ने 1 आवर में कितना काम किया, 1/8, 1 आवर वर्क ऑफ टैप बी 1/4, 1 आवर वर्क ऑफ टैप ए एंड बी, दोनों ने कितना काम किया, एल से मांगा बेटा 8, 3/8। सो बोथ टैप टूगेदर कैन फिल क्रिस्टन 8/3, 2/3 आवर, 2/3 आवर में फिल कर देंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 25 कि वन फिल करता है, ए और बी फिल करते हैं 10 आवर में और 15 आवर में, बोथ फिल करते हैं, अच्छा दोनों 4 घंटे तक ओपन रहे, फिर बी टर्न ऑफ हो गया, हाउ मच टाइम विल बी टेकन फिल द रिमेनिंग टैंक। दिस इज़ द सेम क्वेश्चन विद, जैसा कि हमने पहले किया था कि दोनों ने मिलकर काम किया 10 डेज तक, उसके बाद ए चला गया तो बी ने कितना किया, बिल्कुल सेम वैसे ही है, आप ट्राई करेंगे खुद करने के। 25, 26, एक पाइप 10 आवर में फिल करता है, लीकेज हो रही है तो 12 आवर में उसको फिल हो रहा है, यानी कि 2 आवर्स उसका पानी वेस्ट जा रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द लीक, कितने देर में उसको लीक टैंक के इसको वो फिल करेगा। सो टाइम टेकन बाय टैप टू फिल टैंक 12 आवर, टू टू लीकेज इट टेक टाइम, सॉरी यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 आवर है। सो वर्क ऑफ 1 आवर वन बाय 10 - 1/12, एलसीएम आ गया बेटा 60, 6, 5, 1/60 आवर वर्क हुआ है उसमें। सो टैंक बी एम्प्टी इन 60 आवर, तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा बेटा, 60 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी फिल कर रहे हैं, एक और पाइप है वो खाली कर रहा है, तीनों पाइप एक साथ लगेंगे तो कितनी देर में क्रिस्टन फिल होगा। टाइम टेकन बाय टैप ए दैट इज 10 आवर, टाइम टेकन बाय टैप बी 12 आवर, सॉरी ए ने 12 लिया है और बी ने 15 लिया है, टाइम टेकन बाय टैप सी टू आउटलेट, सो दैट इज 10 आवर। सो वर्क डन इन 1 आवर, 1 आवर में कितना काम किया, इन दोनों ने डाला है तो इनका प्लस हो जाएगा, उसने निकाला है तो उसका माइनस हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा इनका 60, 5, 4, 6, 11 11 में से 6 गया, 5, 5/60, इट मीन्स, तो सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा
नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। टैप ए 4 आवर में फिल कर रहा है, टैप बी 6 आवर में खाली कर रहा है, दोनों टैप टुगेदर किए गए हैं तो इसका क्या आ जाएगा? तो बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 1/4 1/6 माइनस 1/4 में से उसको 1/6 को माइनस करेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 - 2 1/12, तो 12 आवर में आपका टैंक फिल हो जाएगा। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 11.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।